नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लक्ष्मी पूजन के पीछे की कथा क्या है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं लक्ष्मी पूजन के पीछे की कथा क्या है। लक्ष्मी पूजन के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, उसमें से कुछ कथाएं मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही सरल, आसान और जो है शॉर्टकट में आपको वो बताने वाली हूँ। एक तो है समुद्र मंथन की कथा। जब देवताओं और असुरों का समुद्र मंथन किया था, तब लक्ष्मी जी समुद्र से निकली थी और भगवान विष्णु की पत्नी बन गई थी। राजा बलि की कथा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि वह अपने राज्य में रहने वाले सभी लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करे। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की कथा। देवी लक्ष्मी ने भगवान गणेश को अपना भाई बनाया और उन्हें धन समृद्धि का अधिपति बनाया। भगवान राम और लक्ष्मी जी की कथा। भगवान राम की पत्नी सीता, जो लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती है, इसलिए भी लक्ष्मी पूजन के दिन जो है लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। एक मुख्य कथा भी है, वो भी आपको बताती हूँ। इन कथाओं से यह पता चलता है कि लक्ष्मी पूजन के पीछे भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और अन्य देवी देवता भी जुड़े हुए हैं। और एक मुख्य कथा है, वो बताती हूँ कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को पराजित किया था, तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना था, अब उन्हें अपना आशीर्वाद दिया था। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की पत्नी और धन समृद्धि की देवी बन गई थी वो। इस तरह से इस कथा के आधार पर लक्ष्मी पूजन करते हैं धन समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं हैं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग ढेर सारी कथाएं हैं जो अलग अलग संदर्भ में बताई गई है। आज जो है इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे छोटे संदर्भ वाली कथाएं मैंने बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। एक लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।